नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर समथर से, यानी कि राजा भैया के यहाँ से आ रही है। राजा भैया के मामा जी खत्म हो चुके हैं, निधन उनका हो गया है। बड़ी दुखद खबर ये है। और राजा भैया के जो मामा जी थे वो समथर से थे। बुंदेलखंड के समथर स्टेट के आखिरी राजा श्रीमंत रणजीत सिंह जूदेव का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। झांसी जिले में आने वाले समथर स्टेट के वो आखिरी राजा थे। रणजीत सिंह जूदेव झांसी की गरौठा विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक रहे। वह उत्तर प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रहे। गुरुवार को समथर किले में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार देश और प्रदेश की जो है कई बड़ी हस्तियां उसमें शामिल हुई। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने भी दुख जताया, डिंपल यादव ने भी दुख जताया। दोनों की आंखों में आंसू रहे, नम उन्होंने जो है बाहर विदाई दी और राजा भैया भी यहाँ पर रो पड़े। राजा रणजीत सिंह जूदेव का सियासी सफर 1974 में शुरू हुआ था। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर गरौठा सीट से 1974, 1977 और 1980 में लगातार जीत हासिल की। 1985 में उन्होंने झांसी के कद्दावर नेता कुंवर मानवेंद्र सिंह को हराया था। 1985 में ही वह उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने 1989, 1991 और 1993 में लगातार जीत हासिल की। 1996 के चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के चंद्रपाल सिंह यादव ने शिकस्त दी। 2002, 2007, 2012 में भी उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। 2012 के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन आपको बता दें कि राजा भैया बड़े जो है यहाँ पर दुखद महसूस हुए उनको और रोना उनको आ गया। और राजा भैया के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि उनके मामा जी थे और मामा जी को राजा भैया बहुत प्रेम करते थे। बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि अंतिम संस्कार उनका हो चुका है और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि तमाम लोग उनके घर अभी पहुँच रहे हैं, उनसे उनके परिवार को दिलासा देने के लिए पहुँच रहे हैं। SPN9 न्यूज़ की टीम भी जो है यहाँ पर भावहीन श्रद्धांजलि मामा जी को अर्पित करती है और राजा भैया की फैमिली को और जो यहाँ पर राजा हैं उन राजा को जो है उनके भगवान श्री चरणों में उनको स्थान दे, इस तरीके की कामना करती है। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये भी आती है कि एक बेहतरीन छवि यहाँ पर रखते थे और आने वाले वक्त में हो सकता था कि वो अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़वाते, क्योंकि गरौठा विधानसभा सीट अब BJP की हो चुकी है और वहाँ से जवाहरलाल जो राजपूत हैं वो विधायक हैं और यहाँ पर BJP कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टक्कर हमेशा रहती है। आपको बता दें कि रणजीत सिंह जूदेव हर राजनीतिक लहर में अजय रहे। 1974 में जो है कांग्रेस विरोधी लहर में उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि 1991 में श्री राम जन्मभूमि की लहर में भी उन्होंने अपनी सीट बचाकर रखी थी। रणजीत सिंह जूदेव के सीधे संबंध गांधी परिवार से थे। वह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के विश्वास पात्रों में शामिल थे। इंदिरा गांधी जब झांसी आई थी तो उन्होंने समथर किले में ही रात्रि विश्राम किया था। रणजीत सिंह जूदेव ने प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री, नगर विकास राज्य मंत्री तथा वन राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।